नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोविड 19 के इलाज के लिए ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिका की तरफ से विकसित कोरोना वैक्सीन के तीसरे और आखिरी ह्यूमन ट्रायल के लिए देश भर में 5 जगहों पर तैयारी कर ली गई है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये एक जरूरी कदम है, क्योंकि भारतीयों को टीका देने से पहले देश के अंदर आंकड़े उपलब्ध होना जरूरी है। आपको बता दें, ऑक्सफोर्ड और इसके साझेदार एस्ट्राजेनिका ने टीके की सफलता के बाद विश्व के सबसे बड़े टीका निर्माता द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसके उत्पादन के लिए चुना है। पहले दो चरणों के ट्रायल के नतीजे इस महीने की शुरुआत में ही सामने आए थे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने कहा, अब DBT तीसरे चरण के लिए क्लिनिकल साइट की स्थापना कर रहा है। हमने इस पर पहले ही काम शुरू कर दिया है और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए 5 स्थानों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। पुणे स्थित CII ने संभावित टीके के दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के संचालन के लिए भारतीय दवा नियामक से अनुमति मांगी है। DBT सचिव ने कहा, DBT सभी निर्माता के साथ काम कर रहा है और सीरम का तीसरा ट्रायल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर टीका कामयाब होता है और ये भारत के लोगों को दिया जाएगा तो हमारे पास देश के अंदर के आंकड़े उपलब्ध होना चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले 20 जुलाई को वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से विकसित कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित है और ट्रायल के दौरान इसके कारगर नतीजे सामने आए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।